एवरीवन, माय नेम इज एपिक आनंद। मैं आज आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट अराउंड अस, कि पौधे हम लोग के आसपास होने चाहिए, कि जैसे कि सम प्लांट्स आर डिफरेंट प्लांट्स, कि कुछ प्लांट्स डिफरेंट तरीके से होते हैं। एग्जांपल यानी कि जैसे क्लाइंबर, हर्ब, सर्ब, ट्रीज, क्रीपर, इतने होते हैं। अब उसमें से हम दो दो सबके एग्जाम्पल बोलते हैं। ट्री का सबसे पहले पाइन और कोकोनट, ये दोनों स्ट्रेट ट्री में भी आ जाते हैं। और फिर हम लोग आते हैं सर्ब, जो स्मॉल प्लांट होते हैं, लेकिन उसका ये स्टेम हार्ड होता है। एक हुआ रोज एंड आप लोग बताइए, हमको बताइए कमेंट में इसका आंसर लिख के दीजिएगा एक, ठीक है। आप लोग तो पढ़े होंगे अपने साइंस बुक में, वन क्लास में पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को ये बात समझ आ गया। तो आप लोग अब देखिए, पौधे हम लोग के पास रहेंगे, हम लोग तभी ना ऑक्सीजन ले पाएंगे, है ना। यह हम एकदम सच बोल रहे हैं। अगर पौधे हम लोग के आसपास ही नहीं होंगे तो हम लोग कैसे जीवित रहेंगे। हाँ, हम लोग को पौधों को अपने पास ही रखना चाहिए। जैसे गार्डन है आप लोग के पास, गार्डन में रख दीजिए। कोई कोई स्मॉल प्लांट्स को या नकली को ऐसे भी रख, लेकिन नकली से आप लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ये बात आप लोग को नहीं पता है। असली से मिलता है ना, तो इसीलिए आप लोग को असली प्लांट्स ग्रो करना चाहिए, ना कि नकली। आप लोग बहुत जगह पे होंगे, देखे होंगे नकली, और नकली प्लांट्स के कारण वो कलर, हम लोग पानी डालते हैं उसके अंदर, कलर उखड़ जाएगा। तो ऐसा होगा तो हम लोग का सारा वो हो जाएगा खराब। तो अगर आप लोग जब भी फ्लावर पॉट लिए उसके अंदर असली वाला फ्लावर डालना चाहिए, थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर बीज डाल दीजिए, वही भी छोटा सा, छोटा वाला, ना कि इतना बड़ा, नहीं तब तो वो टूट जाएगा, मोटा हो जाएगा वो तो। और रोज का प्लांट होगा इतना सा। और आप लोग की हम आप लोग को ये बात बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग के सेफ्टी के लिए। और ये बात अगर हम इसलिए बताएंगे क्योंकि आप हम लोग के दोस्त, हम लोग आपसे हम लोग ये बात क्यों शेयर करते हैं, क्योंकि आप हम लोग सब दोस्त हैं दुनिया में, ये आप लोग को हम बता दिए। अब प्लांट्स को उसका सीड कैसे बनता है, अब ये जानते ना हो। सीड के अंदर होता है बेबी प्लांट, बेबी प्लांट को हम लोग ग्रो करते हैं और वो उग जाता है, ठीक है, ये भी हम बता दिए आप लोग को प्लांट्स का। सोचिए अगर प्लांट्स इतने एक भी नहीं होते तो हम जीवित कैसे होते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता, ये भी तो है ना, ठीक है। ओके बाय, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, कमेंट। ओके बाय, अगर आपको ये अच्छा लगा कमेंट में लिख के दीजिए, ये बहुत अच्छा है, देख दिस इज अ वेरी नाइस वीडियो।